माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डायमेंशंस किस तरह लिखे जाते हैं वो बताया था और उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी कैसे होती है वो देखा था। अब सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ोगे बच्चों आप लोग, उनको एक कस्टमाइजेबल सेट करके अपन कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब चार चार पाँच पाँच क्वांटिटीज के सेट बना बना के अपन कंप्लीट करते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए कि इस तरह की क्वांटिटी आएगी तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं लिखूं किसी भी क्वांटिटी के बारे में बच्चों, तो आगे पीछे क्या करोगे? सर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ आप। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है बच्चों, हम इसके डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट हम क्या करते हैं, सीधा सीधा मास लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, मतलब MLT। आगे आएगा बच्चों एम्पियर, देन केल्विन, आई कैन राइट MOL विच वी स्मॉल, और ये हो गया आपका कैंडेला। ध्यान से देखो ये कौन है, ये आपके 7 बेसिक यूनिट्स हैं या 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। ऑल राइट, अब मैं कहता हूँ बच्चों, कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा होता है, डिवीजन आ रहा होता है, कुछ पावर में जा रहा होता है, जैसे वॉल्यूम का हो गया, एरिया का हो गया, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको डेंसिटी वगैरह के फॉर्मूले, बेसिक बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो वी डू नॉट नो कि कितने मास होंगे, कितने टाइम होंगे या कितने एम्पियर होंगे, तो हम क्या करते हैं आर्बिट्री फॉर्मेट में यहाँ पर बोल देते हैं भाई तू ABCDEF और G लिख ले। अब मैं कहूँगा बच्चों, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन डायमेंशन की होती है उसमें ना ये MLT लिखा जाता है, ये लोग, ये बच्चे वो हैं जो रोज़ आते हैं स्कूल तो उनको ज़्यादा लिखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा, देखो अच्छे से MLT बंद कर दो, ऊपर आ जाएगा बच्चों ABC। किसी किसी बुक में XYZ भी लिखा हो सकता है, कोई डिबेट करने वाली बात तो है ही नहीं। बच्चों इसी फॉर्मेट में आगे चलते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों गलती यहाँ पे ये लेंथ का डायमीटर, लेंथ का डायमेंशन करवाता है। मैं बताता हूँ क्यों, नाम से वो लेंथ का है लेकिन वो लेंथ के लिए भी वही लिखा जाता है। मैं ये बातें बता चुका हूँ, ये चीज़ बच्चों जो बच्चे बिल्कुल ही फ्रेश पढ़ रहे हैं वो जा कर के पढ़ लें पीछे वाला, है ना। और अगर बात बच्चों मैं यहाँ बात करूँ हाइट के लिए तो भी यही आ जाएगा, अगर बच्चों में बात करूँ डिस्टेंस के लिए तो भी यही डायमेंशन होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करूँ तो ये भी यही डायमेंशन होगा। विच मीन्स देर आर सो मेनी क्वांटिटीज कन्फ्यूजिंग टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल डायमेंशन। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि डायमेंशन हैज़ नथिंग टू डू विद द थ्योरी पार्ट, इसको सिर्फ मतलब होता है आपकी यूनिट से। जैसे टीचर पूछता है बताओ मास है कि नहीं है, लेंथ है कि नहीं है, टाइम है कि नहीं है, वैसे यहाँ पर देखो MLT के टर्म्स होंगे, जो प्रेजेंट होगा वो लिखोगे, जो एबसेंट होगा उसको भगा देना वहाँ से। एक बात और बच्चों, ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल दिख रहा है, ये जब चीज़ें दिख रही हो ना, इसका मतलब है दे आर नॉट एबल टू चेंज द डायमेंशंस। याद रखना, आप कभी भी बच्चों 5 मीटर में से 2 मीटर हटा देते हो तो बच्चों मीटर कहीं नहीं चला जाता। ध्यान से देखो, मीटर कहीं चला जाएगा, उसका डायमेंशन लेंथ ही रहने वाला है। तो मैं लिखता हूँ, ये एक पॉइंट हो गया बच्चों, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट जो डायमेंशन लिखने में याद रखना है आपको। तो इसके लिए आप लोग लिख लो बच्चों सीधा सीधा, दे डू नॉट, आई कैन राइट दे डू नॉट चेंज, यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों डायमेंशंस, ठीक है। ये अपना पुरानी क्लास का मैंने रिकॉल पूरा करा दिया है। अब मैं आप लोग कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा जो ऑलरेडी आप जानते हो, जिनके फॉर्मूले से बिल्कुल फेमिलियर हो आप लोग बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। द थिंग विच यू आर गोइंग टू नीड टूडे द मोस्ट इज द डायमेंशन फॉर फोर्स, और फोर्स को सभी लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर बच्चों में दोनों एंड पे क्या कर दूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन के लिए होता है बच्चों LT-2, ये आप जानते हो। तो इसका आंसर आ गया बच्चों सीधा सीधा लिख दो MLT-2, चाहो दोनों पे 1-1 भी लिख सकते हो। इससे कनेक्टेड होके अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ तुम लोग वर्क का क्या डायमेंशन होगा, तो क्या बोलोगे? सर हमको नहीं आता। क्यों बोलोगे ऐसा? भाई वर्क का फॉर्मूला भी तो पता है अपन को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और आप देखो फोर्स के लिए मैंने क्या करूंगा, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए एल आ जाएगा बच्चों, और आपका आंसर सीधा मिल जाएगा। लिख सकते हो यहाँ पे एक एल, और इसके बाद जो बात होगी वो बताता हूँ। ये L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 1 है बच्चों, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम जो बेसिस होते हैं, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से वो अपने आप में ही इंटरेक्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का सीधा सीधा, यहाँ से लिख के देता हूँ मैं बच्चों, वर्क डन लिखना, आस पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, और ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास M हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। देखो ढंग से,
मैं अगर आपसे बच्चों पूछूं कि मुझे बताओ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, तो क्या बता नहीं पाओगे? बोलोगे सर हम बिल्कुल बता सकते हैं, मोमेंटम को पी से देखते हैं, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैं अभी सिर्फ वो चीज़ें लिख रहा हूँ जो आप जानते हो, जो आप बिल्कुल जानते हो, ताकि यू डेवलप अ हैबिट ऑफ हाउ टू राइट डायमेंशंस। तो देखो मास के लिए आ जाएगा बच्चों, सीधी सीधी बात बोलूँ तो एक बड़ा वाला एम लिख लेना, एम वन एल जीरो टी जीरो भी लिख सकते थे हम। स्पीड हो जाएगी बच्चों सीधा सीधा एम जीरो एल टी माइनस वन। इसे सॉल्व कर लो, क्या कर रहा है ये? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे लिखा है पावर वन, यहाँ लिखा है पावर जीरो, क्या होगा? वन प्लस जीरो वन। सो मोमेंटम का फॉर्मूला, लेट मी चेंज माई पेन, आई कैन राइट मोमेंटम इज ऑब्वियसली बच्चों वन प्लस जीरो वन, आई कैन राइट एल वन, और यहाँ हो जाएगा टी टू पावर माइनस वन। ये अपना आंसर मिल गया। तो देखो फोर्स वर्क ये सब लाइन से निकल के चले जाते हैं। नाइन्थ क्लास में प्यारे बच्चों आप लोगों को ना इम्पल्स भी बताया जाता है, तो मैं वो भी लिखता हूँ, ठीक है? इम्पल्स को बन आई से देखते हैं, मतलब होता है इसका फोर्स की एवरेज वैल्यू इनटू टाइम, और ये सब भी पढ़ोगे आप लोग इलेवंथ में जाके, अभी इंटीग्रेट करके भी एक फॉर्मूला बनता है। तो आई एम नॉट राइटिंग हियर बिकॉज अपन पढ़ रहे हैं डायमेंशन, हमें थ्योरी से इतना मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है बच्चों? देखो ना यार, फोर्स लिखा है और डेल्टा डी का टर्म लिखा है, तो अगर सर ने इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो एक बात तो साफ साफ है कि यहाँ हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? टी। सॉल्व कर लो ना, इसको क्या दिक्कत है? अरे ये चीज लग रही है यहाँ पे x टू पावर m मल्टीप्लाई बाय x टू पावर n, दुनिया जानती है क्या होने वाला है, x टू पावर m प्लस n, ठीक है? तो इंपल्स के लिए जो आंसर मिलेगा मुझे वो हो जाएगा, मास तो किसी से इंटरेक्ट करने नहीं वाला, ये टाइम भी किसी से इंटरेक्ट करने नहीं वाला, तो m1 l1 और यहाँ लिखा है माइनस टू और यहाँ लिखा है वन, बोलो कितना होगा? ये हो जाएगा सीधा सीधा माइनस का वन। और एक बात ध्यान से देखो आप, इसके डायमेंशन और इसके मैच कर रहे हैं, लेकिन दोनों की थ्योरी बिल्कुल अलग है। इंपल्स को अगर नाइन्थ क्लास में जाकर पढ़ाऊँ तो क्या बोलूँगा? ये ऐसे मैक्सिमम फोर्स लग रहा होता है स्मॉलेस्ट टाइम के लिए, इट इज द ह्यूज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट लाइक अ कोलिजन ऑफ अ बॉडी। और मोमेंटम क्या है? ये तो एक जनरलाइज चेंज माना जाता है। तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि बच्चों हमें सर को थ्योरी से मतलब ही नहीं है, उससे पूछ रहे हैं कि फॉर्मूले में क्या आ रहा है। सो दी टू क्वान्टिटीज मे हैव टू डायमेंशन इन दिस चैप्टर, ये ध्यान रखें आप। ये मेरे पास बन रहा है बच्चों वर्क का फॉर्मूला। अगर यहाँ से मैं आप में से किसी से भी पूछूं बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या भूल जाओगे फॉर्मूला नाइन्थ क्लास का? ये होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी फॉर्मूले में वन बाई टू आ रहा है, टू बाई फाइव आ रहा है, कोई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, आप इनकेपेबल रहोगे उसको सॉल्व करने का, बिकॉज डायमेंशन को मतलब ही नहीं होता किसी कॉन्स्टेंट से। इसकी जगह पे के आएगा, उसको डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट बोलेंगे। तो मैं यहाँ एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ बच्चों, ये सारे पॉइंट्स ही थे आपके डायमेंशन के लिए। तो डायमेंशंस फॉर कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है? इतना तो अपन नोट कर ही सकते हैं, ठीक है? तो सॉल्व कर लो उसको। इसके आगे पीछे क्या लगा लेंगे बच्चों अपन लोग? स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है? तो देखो हाफ नहीं पढ़ सकते आप, इस मास के लिए एक एम आ जाएगा, और स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, मैं लास्ट सेशन बता चुका हूँ बच्चों, वो क्या होता है जल्दी जल्दी बता दो मुझे। एल टी माइनस वन पावर में क्या है? टू। इस पावर को बच्चों दोनों के पास भेज देना और मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखो m तो एज इट इज आ जाएगा, l की पावर में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन इंटू टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 2। क्या ये नहीं जानते x की पावर m होल ब्रैकेट में n होता है तो m इंटू n हो जाता है? ये बच्चों वहीं से आ रहा है। एक बात और लिखना चाहता हूँ मैं, मेरे साथ साथ देखते चलो, आप भी समझ जाओगे फटाफट। बहुत टफ नहीं है बच्चों, ये सब नाइन्थ स्टैंडर्ड के अपने क्या हैं, फॉर्मूलेज हैं। इफ आई वॉन्ट टू राइट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, इसको स्लेट से पी से बताया जा रहा है थोड़ी देर के लिए, और इलेवंथ में आ जाओगे तो बच्चों पी ई की जगह यू से बताया जाएगा इसको। चलो यू से स्टार्ट करो पढ़ना इसको। ये हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच, हमें पता होता है नाइन से फॉर्मूला। ट्राई करो वीडियो पॉज कर, क्या आने वाला आंसर। ऑल राइट,
मास के लिए हो जाएगा बच्चों एक बड़ा एम, और कुछ नहीं होगा मास के पास। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देख सकते हो। जी इज अ ग्रेविटी, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड आई डू नॉट बॉदर अबाउट विच टाइप ऑफ ग्रेविटी इज दिस और विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस। इफ इट इज हैविंग डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन देन आई विल बी कॉपिंग दैट। तो ये जी लिखा हुआ है बच्चों, इसके डायमेंशन बिल्कुल एल ए की तरह होंगे, तो ये ए का डायमेंशन मैंने यहाँ कहीं लिख के दिया है, ये रहा अपना आंसर। तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ब्रैकेट डाल दो, यहाँ लिखा है एच, तो एच मतलब हाइट है ना, बड़ा एच ना कर देना कि सर नया सिस्टम निकालो, एच को आप मीटर में कैलकुलेट करोगे ना, और ये बात मैंने यहाँ कितनी बार बता रखी है, देखो भाई लेंथ क्यों किस में काउंट कर रहे हैं, हाइट को। तो ये रहा हाइट, ये रहा एक्सेलरेशन और मास, ये रहा एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड। इतना एफिशिएंटली लेक्चर डिलीवर किया गया है, इसको रीअरेंज कर लो बच्चों। तो मुझे दिख रहा है एनर्जी का डायमेंशन मास के ऊपर वन है, एल वन, और वन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टू, यहाँ हो जाएगा टू, इसको बंद कर लो और एक इसको देखो। सो दिस काइनेटिक एनर्जी यू कैन सी एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों यही फॉर्मूला आपका वर्क का भी आ रहा है। तो देखो इन तीनों के डेफिनेशन अलग अलग हैं, नाइन्थ में ये पूरा चैप्टर बनता है और अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है, बट इलेवेंथ में यूनिट्स पढ़ते वक्त क्या बोलोगे, सर क्या मजाक कर रहे हो, तीनों का डायमेंशन तो सेम आ रहा है मेरा। देन आई टेल यू, डायमेंशन इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ स्टडी, इट ओनली डील्स विथ वॉट इज कंटेन्ड इन द यूनिट। जो यूनिट होगी उसको अपन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज योर डायमेंशन। इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा, एंड आई विल बॉदर नथिंग अबाउट इट। कुछ नहीं सोचना हमको कि यार इसका हम तो डेफिनेशन अलग है, ये तो अलग चैप्टर में था, ये अलग अलग चीज़ है, ना भाई इक्वल आते हैं, ठीक है। वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंटेनिंग सेम डायमेंशंस, इसे नोट कर लो। मैं अभी और सिखाने वाला हूँ डायमेंशन किस किस क्वांटिटी से किस किस तरह करते हैं, फटाफट नोट कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो सो स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक डायमेंशंस हमने अभी कंप्लीट कर लिए, अब कुछ एक सेट ऑफ डायमेंशंस और देखते हैं बच्चों, जो यूजुअली आप लोग बेसिक फॉर्मेट टेंथ में देखकर आए हो और एक आधा इसमें आप ट्वेल्थ में जाकर पढ़ोगे। बट जैसा मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन क्लास में, दैट इट इज अ नेसेसिटी कि आगे जो पढ़ोगे टॉपिक उनके डायमेंशन अभी पढ़ लिए जाएं without understanding the theory in detail, so we are allowed to do those things. All right. तो पहला कैसा है बच्चों, यहाँ पर चार्ज और ये करंट, इन दोनों के बारे में एक साथ ही बात कर लेते हैं। अगर आप टेंथ में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ध्यान से देख पढ़ो, तो वहाँ पर बच्चों करंट का एक फार्मूला आता है जो होता है चार्ज बाय टाइम, उससे ये मालूम चल जाएगा कि चार्ज का फार्मूला आई टी होता है, टू इक्वल्स टू आई टी होता है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में चार्ज को ही सॉल्व करने का ट्राई करूंगा तो हो जाएगा Q बराबर आई टी, दोनों के आसपास क्या कर दो प्यारे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। इसका मतलब है आप डायमेंशन लिखना ट्राई कर रहे हो, तो आ गया तुम लोगों का आंसर, चेक कर लो, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, इस टी से एक टाइम आ जाएगा और इससे बच्चों एक एम्पियर आ जाएगा और ये बात खत्म हो जाती है। सेकेंड वाले को तो लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर ही है, वो अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ध्यान रखें आप। सो दिस इज करंट, दिस इज करंट, इसको अगर आई लिख भी देता हूं ना मैं, तो बच्चों आई का कोई डायमेंशन नहीं बनता, इसको बोल सकते हो आप सर एम भी जीरो होगा, एल भी जीरो होगा, टी भी जीरो होगा, कोई बनने का मतलब नहीं, मैंने ये जीरो कहे थे आपसे, लेकिन ये बेचारा एक बोलेगा ना भाई मेरे पास तो एम्पियर है, तुम काय को ऐसी बात कर रहे हो, और मैं अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी हूं, नहीं आया अरे भाई एम्पियर है। थर्ड देखो कहता है पोटेंशियल, टेंथ स्टैंडर्ड, द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल सभी जानते हैं बच्चों, इन फेमस फॉर्मूला होता है एक, V बराबर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फलाना फलाना करते हैं अपन वहां पर, तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन लेट से सम चार्ज, दोनों के आसपास क्या लगा दो आप स्क्वायर ब्रैकेट। तो वर्क का फॉर्मूला अभी 5 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर में आएगा एम एल टू टी माइनस टू, और ये लिखा है चार्ज, चार्ज का फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, कॉपी कर लो वहां से, ये होता है आई टी, और जिसको डायरेक्टली बोल सकता है टीचर ए इंटू टी, बच्चों ये और यही काउंट होंगे, दोनों के ऊपर क्या कर दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, और बच्चों इसको ढंग से लिख लो आप, देखो ट्राई करो क्या बोल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा मास के लिए वन,
एल के लिए क्या हो जाएगा टू, ये दोनों लोग ऊपर जाएंगे तो पावर जाएगी माइनस वन। आई कैन राइट टी टू पावर माइनस थ्री ए टू पावर माइनस वन। ढंग से देखो, कोई बड़ी चीज नहीं है ये करना। अगर फॉर्मूला पता है तो याद भी नहीं करना अपन को, छोड़ दो वहीं पे उसको, हो गया। फोर्थ पार्ट बताओ क्या कर रहे हैं अपन। फोर्थ लिखा है यहाँ पर बच्चों रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों लग रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है अपने ओम्स लॉ से, जिसने बड़े आसानी से कह दिया था कि रेजिस्टेंस बच्चों वी बाय आई होता है। ये मत भूला करो ना, मैंने आपको कई बार कहा है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज विच यू आर अवेयर और विच हैव बीन इंट्रोड्यूस प्रीवियसली अर्लियर और एट दिस मोमेंट। ठीक है, डिबेट करने से कोई चीज भी नहीं कि सर वो तो पढ़ाया नहीं आपने, काय को यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा बच्चों ये चैप्टर ही ऐसा है कि जो आगे पढ़ने वाले हो उसके डायमेंशन हमें अभी पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, वी आर ऑल्सो स्टक विथ इट। तो पोटेंशियल का जो आ रहा है वो तो मैं कॉपी करूंगा, मेरे को नहीं किसी से बात करना भाई। पोटेंशियल के लिए क्या करूंगा, ये लाइन वापस से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा एम वन L2 T माइनस थ्री और A माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा इसके लिए बच्चों एक A आ जाएगा। ये कट मत कर देना, थोड़ा सा तो ध्यान दे लो भाई, थोड़ा सा तो ध्यान दे लो। तो बच्चे लोग R कितना आ रहा है बोलो, हो जाएगा बोलो सर M1, I can write L2, यहाँ हो जाएगा T3 और बच्चों A की पावर हो जाएगी माइनस टू, क्योंकि ये यहाँ जाके माइनस वन बनाएगा। इसको बॉक्स में डाल लो, एग्जाम में अगर ये आ जाता है किसी और फॉर्मेट से तो R का फॉर्मूला अगर V by I जानते ही हैं तो इसको लिख लेना वर्क डन बाय चार्ज, और इसको लिख लेना इसको I को Q into Q by T कर देना है इसको चाहो तो, ठीक है, या इसको I कर दिया तो इसके बाद आपसे बन जाएगा बच्चों आसानी से, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही मेरा काम हो जाएगा। इसका अलग कर लेना, इसका अलग कर लेना, इसका अलग कर लेना, यू विल गेट दिस आंसर स्ट्रेट अवे। लास्ट देखो क्या कह रहा है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन का नाम है कैपेसिटेंस। फिफ्थ वन का नाम है कैपेसिटेंस। ये किसी कंडक्टर पे चार्ज स्टोरिंग की कैपेबिलिटी को कहते हैं। ट्वेल्थ में ये पूरा चैप्टर बन के आता है, तो वेट करना है ट्वेल्थ क्लास का। लेकिन एक फॉर्मूला में छोड़े जा रहा हूँ, वो आपको याद रखना है बच्चों। एक फॉर्मूला चलता है यहाँ पे, जो चार्ज होता है ना Q बराबर होता है C into V, where this is charge and that is potential, or I can say the potential difference, and this is your capacitance। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ना सर को बताने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आप यहीं से कह सकते हो कि सर C का फॉर्मूला हो जाएगा Q by V, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे तो अपना आंसर तो साथ में मिलना बहुत ज़रूरी है। चार्ज का क्या होता है बच्चों, फर्स्ट लाइन में देखो, चार्ज के लिए आता है न्यूमरेटर में A into T, और V के लिए बच्चों कहाँ देखोगे, यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा M1 L2 T माइनस थ्री और हो जाएगा A माइनस वन। नहीं आया, अरे भाई ऐसा मत समझो कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं है और डायमेंशन दिए जा रहे हैं बराबर, नहीं, फॉर्मूला दिया है ना, काम करो, बात सुनो। तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ये सब वैल्यूज ऊपर जाएंगी बच्चों। तो आप लिखोगे m की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, ये जो t लिखा है ऊपर आके t टू पावर फोर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वन है। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, a का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसको आप एक बॉक्स में डाल लो और ये अपना एक आंसर हो गया। सो कैपेसिटी का ये रहा आंसर, रेजिस्टेंस का बच्चों कहाँ गया ये रहा, पोटेंशियल के लिए ये रहा, और बाकी दोनों तो आपको पता ही है। सो इस तरह हम लोग ने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली। अब ऐसी कुछ मैग्नेट की बातें कर देता हूँ और आप लोग इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस योर वेव मोशन। नाइन्थ में थोड़ा बहुत वेव के बारे में पढ़ा है, और हमारे इलेवेंथ के जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें वेव फॉर्म से रिलेटेड या वेव लेंथ या ये पोजीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देना। तो बच्चों एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं इसको, और उसके पहले मैं एक डायग्राम से आपको कंप्लीट कर देता हूँ। हम इस तरह के वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वी नीड नॉट टू डिग डीप इन टू दिस। सपोज ये टाइम चल रहा होगा तो इस चीज़ को अपन कंप्लीट टाइम बोलेंगे, अगर ये डिस्टेंस चल रहा होगा तो इसको अपन लैम्डा बोलते हैं। ये बातें आप जानते हो बच्चों ऑलरेडी। ये एक वेव के लेंथ को वेव लेंथ बोलेंगे, द लेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज वेव लेंथ। तो लेंथ ऑफ वेव, मैंने बताया था आपको लेंथ कैसे भी हो बच्चों एल ही आना चाहिए। तो पहले कर लेते हैं एम्पलीट्यूड। तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज योर एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन लाइन।
एंड दिस वॉज योर मीन लाइन, ठीक है, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया टाइम पीरियड, और जिस स्पीड से चल रहा होगा बच्चों स्पीड हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं बच्चों आपसे एम्पलीट्यूड के बारे में पूछूं तो बोलोगे यार इसका डेफिनेशन वगैरह कुछ भी हो, लेकिन ये है तो एक तरह का लेंथ का ही मेजरमेंट ना, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, मास नहीं होगा, लेंथ होगा, टाइम कितना हो जाएगा, जीरो, ये इसके आंसर है। सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो इसका सिंबल तो बहुत ही अच्छा होता है, ये देखो, इट्स ऑल्सो अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सो यू नीड टू राइट कि सर मास जीरो कर लो, लेंथ कर लो और टाइम जीरो कर दो, और बाकी जो एब्सेंट है उनको छोड़ देना। नहीं आया। अब इन दोनों की डेफिनेशन और चीज़ें फंक्शन बहुत ही अलग है, और ये देखो डायमेंशन में अपन कितनी लिमिटेड स्टडी कर रहे हैं, हम बस उससे पूछते हैं भाई तेरे पास लेंथ है तो बता, नहीं तो जा, बस इतना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बच्चों, तो यहाँ थोड़ा सीख लो, मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो एफ को अपन बोल सकते हैं बच्चों 1/T, एंड यहीं से अपन को मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही, बोलते जाओ m0 l0, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा इनका -1। बच्चों फोर्थ वाला पढ़ो क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, और स्पीड भाई वेव की स्पीड हो, राज सर की स्पीड हो, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड हो, क्या फर्क पड़ता है, स्पीड के बारे में तो बात होगी, तो वी लिखा जाएगा, मैंने यहाँ सी लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा बच्चों को, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है वेव का स्पीड, तो डिस्टेंस अपन टाइम कर लोगे तो भी आ जाएगा, मैं वेव पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हो जाएगा बच्चों मास तो जीरो ही रह जाएगा, लेकिन L1 और T-1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जीरो है और ये वन है, तो ये आ गया -1, और वन और जीरो मिलके वन आ गया, तो ये सब इतने आसान है बच्चों। और फिफ्थ वाला मेरे पास है पोजीशन, फिफ्थ वाला मेरे पास क्या है पोजीशन, मेरा यकीन मानो चैप्टर 15 है 11th में वेव्स नाम का, डिटेल जाएगा बच्चों एक्सप्रेशन इसका, मतलब किस पोजीशन पे यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब पता करेंगे, लेकिन बेसिकली बच्चों वो एक तरह से वाई एक्सिस पे लिखने वाली पोजीशन ही तो है, सोचो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन पॉइंट से ऊपर में लिखने वाली पोजीशन ही तो है, हालांकि पोजीशन डिपेंड करती है बच्चों एक्स पे भी और टी पे भी, और इसका एक्सप्रेशन बहुत ही बेहतरीन होता है a sin ωt − kx। तो इतना खतरनाक लिख के मेरे को आपको डराने का कोई इरादा नहीं है, मुझे बस इतना बोलना है भाई ये पोजीशन है ना, लोकेशन हो गया ना, बस खत्म कहानी, वहीं क्लियर हो गया क्वेश्चन की। तो वाई के अगर आसपास में क्या करूं बच्चों, वाई के अगर मैं आसपास में एक छोटी सी बात लिख दूं कि सर ये तो एक तरह का मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही है, तो लेंथ ही आएगा और बाकी चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूज करने को दे रखी हैं, विल लुक दिस ऑल्सो बट डोंट वरी बताऊंगा मैं अभी। ये हो गया पोजीशन बच्चों, एक और लिख देता हूँ मैं, यहाँ नहीं लिख पाया था, एक को आप टाइम पीरियड कर लो, ठीक है, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, या एक वेव निकल जाने के टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टी लिख लो और बोलोगे सर आगे मत करो, पढ़ाओ मत मुझे, क्योंकि ये एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको बताने की ज़रूरत भी है क्या बच्चों आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, ये वो लोग हैं जो किसी से बात ही नहीं करते, मतलब m भी जीरो होगा, l भी जीरो होगा और t वन करके छोड़ देना, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और ज़्यादा एक्सप्रेशन की ज़रूरत भी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, ये कंप्लीट कर लो बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो फटाफट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद द डायमेंशंस, एक शॉर्ट टॉपिक लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, ध्यान दिया होगा, से साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या करते हैं ये लोग, क्या ये दोनों के, क्या इनमें कुछ डायमेंशन मिल रहा है, नहीं। अगर मैं बोलूँ एक्सपोनेंट कॉन्स्टेंट ही आएगा, कुछ डायमेंशन मिल रहा है, बोलो नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन मिल रहा है, बोलो नहीं। तो ये तीनों के तीनों का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है इनकी डायमेंशन के चैप्टर में, जबकि ये बड़े बड़े चैप्टर बनते हैं अपने मैथमेटिक्स के करिकुलम में, तो समझ लो कि इनका कोई सेंस ही नहीं बनता फॉर्मूले में। वही चीज़ अगर मैं बोलूँ लॉग एक्स लॉग ई टू पावर लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स, कुछ नहीं सोचना, आंसर लिखोगे भैया जीरो है ना, जीरो, बड़ा सा जीरो आएगा, डायमेंशन ऑल ऑफ देम आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज।
है ना, और ये ट्राई करोगे ना तो ये अपने लिए बेटर है ये कंप्लीट करना। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं अपन। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, देख लिया मैंने, देख लिया, कंप्लीट कर लो ना इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, दिस अ वेरी शॉर्ट टॉपिक विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। सो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फर्दर, देर इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करनी है मुझे। मान लो जनरलाइज जो होते हैं वो, आप बोलते हो सर साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा पढ़ा हुआ है, और बच्चे लोग टेन थीटा पढ़ा हुआ है, और भी तीन लिख सकता हूँ मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी लिख सकता हूँ, बट लॉजिक समझाने के लिए काफ़ी रहेंगे। बच्चों इसके पास क्या करते हो सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है बच्चों पी डिवाइड बाय बी। फॉर्मूले की इतनी टेंशन मत लो, P by H लिखा है तो बेसिकली ये भी लेंथ का ही होगा और ये भी लेंथ का ही होगा, यहाँ पे ये सब के सब लेंथ के होंगे ना, बात समझो क्यों नहीं। हाँ, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये पढ़ाया जाए अपन को पाइथागोरस के फॉर्म में, तो P, H और B, आई अज्यूम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि बच्चों जो साइन थीटा का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, कॉस थीटा का, और वही डायमेंशन दुनिया में और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, और प्यारे बच्चों उसी को मैं यहाँ पर टेन थीटा कर सकता हूँ, ठीक है। इसी को अपन लिख सकते हैं एम ज़ीरो एल ज़ीरो और यहाँ पे आ गया टी ज़ीरो, इसे कहते हैं डायमेंशनलेस क्वान्टिटी। एल ने एल को मार दिया, कैसे देख सकते हो, ऊपर भी एल आया होगा, नीचे भी एल आया होगा, यहाँ पर भी एल और एल हटाओ अलग, ये भी एल और ये भी एल, ख़त्म करो, ठीक है। सिमिलरली मान लो बच्चों मैं आपसे पूछूं प्लेन एंगल के बारे में बता भाई, तो प्लेन एंगल लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इसको बोलते हैं बच्चों थीटा इक्वल्स टू सामने होता है आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय क्या उसका रेडियस है। अब फंस गया ये प्लेन एंगल, कैसे, आर्क की लेंथ भी मीटर में आई होगी और रेडियस ऑब्वियसली मीटर में आएगा, जैसे ही सर ने इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगाए रिगार्डलेस ऑफ द थियोरी टॉट, आप बोलोगे सर जी न्यूमरेटर में एल और यहाँ पर एल, बात खत्म करो और इसका आंसर लिखो आप थीटा बराबर आई कैन राइट और आई हैव टू राइट एम जीरो एल जीरो टी जीरो। जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता ना उनको डायमेंशन से लेस बोलते हैं, सॉरी हिंदी में उसका मतलब हो जाता है डायमेंशन है उनके पास, डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर बच्चों आपको बोलूं बच्चों सॉलिड एंगल देखो, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए, वो बच्चों होता है डी ओमेगा, इसको बोलते हैं सामने जो एरिया स्वीप कर रहा है ये हो जाएगा डी ए डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, लगा दो बच्चों इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट और दुनिया जानती है एरिया किस में काउंट होगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे दो दो रेडियस हैं मतलब यहाँ पे एक एल होगा और एक और एल होगा, ये भी कट कर लेंगे, और डी ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल कितना आएगा आपका एम जीरो एल जीरो टी जीरो। आप ध्यान दे रहे होगे मैं ये वाले सेशन में जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों सबका डायमेंशन क्या हो रहा है, जीरो जीरो में ही आ रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक कि वी जनरलाइज थिंग्स, हम क्या करते हैं सबको एक ही लपेटे में ले लेते हैं, आ भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे सब आ जाएगी यहाँ पे, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ये देख रहा हूँ ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर टीचर कभी कभी आपसे बोल दे कि भाई एक और फंक्शन होता है जो तुमने छोड़ दिया है, तो कहना सर एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं। अगर कोई बोलता है ई टू पावर एक्स का क्या होगा डायमेंशन, तो बोलना सर ई तो कांस्टेंट ही है ना, तो हम लिख सकते हैं उसके लिए एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो, इसको भी इसके अंदर ला देना, छोड़ना मत इसको भी। फिर बच रहा अपने पास एक फंक्शन जिसका नाम होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, ध्यान देना ये एक एक बड़े बड़े चैप्टर्स हैं आपके मैथ के करिकुलम में, और इतना ये वियर्ड चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट जिसको मतलब ही नहीं थ्योरी से, वो कहता है भाई रुक जा जो है सो है, जो है नहीं है छोड़ो उसको, मतलब ये सब चीज़ें हैं तो बात करो नहीं तो जा हटो यहाँ से। तो ये हो गया तुम लोगों का लॉगरिदमिक फंक्शन। इसके लिए अगर मान लो लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स आसपास कर ब्रैकेट मार दूंगा, तो बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे एम जीरो एल जीरो टी जीरो लगा देना, ये 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 इधर लिखी सब चीज। बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात भी करके बोलना हाँ भाई आ जा, सब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक बुलेट लाइन बनती है इस टॉपिक के बाद, वो हो जाएगी साइन थीटा थीटा, ठीक है, ई टू पावर एक्स लॉग ऑफ बेस ई टू पावर एक्स, दे ऑल
कम अंडर वन स्कैनर, और डी ओमेगा भी कर लेता हूँ, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, बोर्ड पे लिखी हर एक चीज़ डायमेंशन लेस है अभी क्लास में, तो यहाँ मैं कहीं लिख देता हूँ ऑल ऑफ देम ठीक है आर डायमेंशन लेस। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग ध्यान में रखेंगे वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, कहीं कहीं ई टू पार एक्स मिल जाएगा, कहीं कहीं एंगल आ जाएगा, घबराना मत, मार देना जीरो। अभी 11 पढ़ोगे तो कॉस थीटा लगने वाला है, जगह जगह पे साइन थीटा लगने वाला है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि सर ने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि ये सारी बातें जीरो 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 सब भैया जीरो है यहाँ पे, ठीक है। ढंग से इसको नोट कर लो, अगले लेक्चर में अपन लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड देन विल मूव अहेड। ओके चलो नोट कर लो फटाफट। चलो।